म्यूजिक प्रेजेंट्स। बात है हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन के कोषाध्यक्ष जो मेरे ख्याल से संगठन बना है तब से अब तक है, मंजीत जी पासो। स्वागत है मंजीत भाई आपका आरके म्यूजिक कंपनी पे। पवन भाई और आरके म्यूजिक चैनल जो हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका रखता है, उसके सभी दर्शकों को मैं मंजीत पासोरिया हमारी संस्कृति हमारा स्वाभिमान संगठन की तरफ से राम राम करता हूँ। मंजीत जी आपका जो अब तक संगठन बना है आपके इसमें बड़ा फिलहाल सोशल मीडिया पे मुद्दा उछला हुआ है कि भाई हमने करोड़ों रुपए यहाँ इकट्ठे करे और आपने गोलमाल कर दिया, तो इसमें कितने रुपए आपके संगठन में आए हैं, कितना क्या हिसाब किताब है, कुछ बताएंगे इसके बारे में ब्रीफ? बिल्कुल हिसाब सबके सामने है, बात तो बहुत सी बोली जाती है क्योंकि भाई रजिस्टर का कोना को नहीं दिखने दिया जी, ये आपके कैमरे के सामने है जी, ये दोनों रजिस्टर है मेरा जी जी। कोई भी भाई जी आश्रम पाक है कोडाना है भी जी, कोई भी हिसाब ले खुला हिसाब है जी। पिछले 3 साल का जो डॉक्टर सुनील वत्स ने ठहरी थे उस टाइम भी मैं कोषाध्यक्ष था जी, तो उस टाइम का हिसाब किताब हमारे आदरणीय रामधन भाई जी, तो उन्होंने शास्त्री जी जी उन्होंने फेसबुक पे वो लाइव चला रखा है जी, जिसको डॉक्टर साहब ने भी शेयर कर रखा, हमने भी कर रखा, सब ने शेयर कर रखा है जी जी। ओपन है वो पब्लिक के आगे पूरा हिसाब, वो लगभग 70 से 75 के बीच में वो बना था जी, और वो हिसाब बिल्कुल आप देख सकते हो जी, उसमें एक पैसे का कहीं भी अरग फर्क नहीं मिलेगा। और 70-75 का कब तक का बना था ये? 3 साल का। 3 साल का जब तक मतलब डॉक्टर साहब उसमें एक नू नहीं है भाई पवन, उसमें हमारी जो हरियाणा सरकार है जी उससे भी हमें एक 26 लाख तो रामविलास से मिले थे जी, 11 लाख रुपये ग्राम पंचायत के माध्यम से, सरपंच साहब ने भी बताया था पंचायत की तरफ से हमें सामग्री मिली थी जी। और भाई स्टार्टिंग में गांव उमरावत माना हुआ था जी, गांव उमरावत का हर आदमी मैं ये कहता हूँ मैं किसी एक व्यक्ति को इस बात का श्रेय नहीं दूंगा, किसी लेकर कोई फालतू भी आ गया जी जी उसका तो उसका धन्यवाद करते हैं हमसे जी। अरे पर यहाँ पर किसी ने 1 रुपया भी अपनी आत्मा से दिया है तो मंजीत पासोरिया करोड़ रुपया देने वाले ने दिया उसका भी उतना ही धन्यवाद। हाँ 1 रुपया बिल्कुल दान श्रद्धा सम्मान जी ने भी दिया। तो आप जो भाई ये कहा जा रहा है कि भाई रजिस्टर का कूड़ा नहीं दिखने देंगे, तो ये रजिस्टर भाई मेरे सामने हैं दोनों, किसी भाई को भी किसी वक्त आके चाहे वो संगठन से जुड़ा हो या कोई एनी पर्सन कोई भी हो सकता है वो अपना हिसाब देख सकता है, ये ब्लेम और अफवाह है, ये कमेटी खड़ी है पूरे संगठन और गांव गुआंड खड़ा है आज भी जो करे संगठन में। हाँ जी लगभग बहुत सी कमेटी संस्था जो चली हुई है हमारे आस गुआंड में दूर दराज जी, वे भी आई हुई हैं, गांव गुआंड भी आ रहे हैं, हमारी पदाधिकारी की जो कार्यकारिणी है वो भी मौजूद है जी। मैं भी किसी ने भी नू होगी ना शंका को देखा नहीं, असल मुन्नो तो मैं आप दिखाऊंगा अरे सारे के साइन भी लूंगा भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हिसाब तो साफ सुथरा हो सबके सब पास करेंगे सबके साइन भी मिलेंगे बिल्कुल, यही माध्यम था आज से कोई कम कहो जी, इसमें आप भी देख लोगे जो कर ये हमारा स्टार्टिंग होता है जी, यहाँ पर आप देखोगे खुद दीपक के भी हैं, विकास के भी हैं, डॉक्टर के भी हैं, सरपंच के हैं, हनुमान के जी, जितने भी कार्यकारिणी होया करते सब के आपको साइन मौजूद मिलेंगे सबके सामने में है ये हाँ, सारी चीजें साफ सुथरी सबके सामने में हिसाब देता था। वैसे वो ये है भाई वो मैंने पहला 10 आदमी हम देना पड़ा करता ही पब्लिक में दे दूंगा, बहुत बढ़िया पब्लिक वाला घना 10 आदमी की बजाय पब्लिक का हिसाब, तो पब्लिक का पैसा तो हिसाब भी पब्लिक को दो, 10 आदमी पैसा थोड़ी है, पब्लिक का पैसा हिसाब पब्लिक में, हरदम खुली किताब रखी है। और मेरा प्रयास भी परमात्मा का ला लो आप लोगों का जुकर जो मेरे को ऊर्जा देते हो आशीर्वाद के रूप में जी, मेरा काम कंप्लीट होने पर ही मैं अपने घर पे जाता हूँ, सारा हिसाब किताब बना के जाता हूँ, आज तक मैं बिना हिसाब किताब करे मैं अपने घर पर भी नहीं गया हूँ जी। ये कहा जा संगठन को आप समय कम देते हो, है एक दिन आओ हो ऐसा सुना गया है, संगठन मनु का एक दिन आओ आप भाई। देखो मन राजनीति ओन भाई नहीं आती जी, ना ये पैतरे आती है जी, ये टेढ़े मेढे सवाल त
तो मेरे ख्याल में नृत्य करने नहीं चाहिए, बाकी संगठन भाई मैं तो फैशन वो करूंगा ना जो है। हाँ, मारे पता जुकर संगठन को मेरी जिस दिन जरूरत पड़ी है मैं खड़ा नहीं मिलू, तो भाई वो क्या कर हुआ मेरी एबसेंट है उसका अर्जाना लगाओ चाहे मतलब कम करो, पर मन भाई और राजनीति के हिसाब से बोलना को नहीं आओ, इसका उत्तर नहीं है मेरे पास जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अपने देसी भाषा देसी जवाब दे दिया भाई ने, थोड़ा कह के बहुत कुछ कह दिया, तो धन्यवाद है आपका मनजीत जी पासौर कोषाध्यक्ष हमारी संस्कृति हमारे अभियान संगठन के। और पवन भाई आप भी यहाँ पर दिल से जुड़े हो, आओ हो प्रोग्राम में, हम भी आपका यहाँ पहुँचने पर हृदय गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, और आपसे भी कहते हैं निसंकोच खुलकर कोई भी सवाल पूछे वो उसमें ना हमें आगे चलने के लिए मार्गदर्शन के लिए हम अच्छा काम करेंगे, तो आपके कठिन सवाल ही हमारे लिए वो एक सफलता की सीढ़ी कह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो होगी, आप हमें निसंकोच पूछो, कुछ भी पूछो, खुला पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।